हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 8 मैथ चैप्टर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट, घन तथा घनमूल, एग्जांपल नंबर 3 एंड उदाहरण नंबर 3 है। लिखा है, क्या 500 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं है तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 500 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए सबसे पहले 500 का हम गुणनखंड निकालेंगे और उसके आगे प्रक्रिया करेंगे। तो देखिए ध्यान से, ताकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो देखिए सॉल्व, और पहले 500 का गुणनखंड निकालेंगे। 500 दो से कट जाएगा तो आएगा 250, फिर दो से करेंगे 125, फिर पाँच से कटेगा 25, 5 = 1। तो यहाँ पे देखिए 500 को लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 5 × 5। तो यहाँ पे देखिए 5 तीन बार आ रहा है लेकिन दो ही बार आ रहा है। तो लिखेंगे कि इनमें 2-3 के समूह में नहीं आ रहा है, अतः 500 एक पूर्ण घन नहीं है। इसे घन संख्या बनाने के लिए एक और दो की आवश्यकता है। इस स्थिति स्थिति में 500 × 2 लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 = 1000 आ जाएगा। 1000 जो एक पूर्ण घन है, पूर्ण घन हो जाएगा 1000। यहाँ पे देखिए तो क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट संख्या 2 है। देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या 500 एक पूर्ण घन है, यदि नहीं तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 500 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकाले तो आया 2 × 2 × 5 × 5 × 5। तो यहाँ पे देखिए 5 तीन बार आया है लेकिन दो बार आया है। तो लिखेंगे कि इनमें 2-3 के समूह में नहीं है, यहाँ पे 3 के समूह में नहीं है, अतः 500 एक पूर्ण घन नहीं है। इसे पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए एक और दो की आवश्यकता है। यहाँ पे एक और दो आ जाएगा तो ये भी 3 हो जाएगा, तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। तो इसीलिए इस स्थिति में 500 × 2 तो हमारा 1000 आ जाएगा। अब इसका घनमूल निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो लिख देंगे कि 1000 एक पूर्ण घन है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो छोटी से छोटी प्राकृत संख्या है वो हमारा 2 है। इसी से 500 में गुना करने के बाद में 1000 आएगा, तो 1000 पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो हमारा आंसर 2 आएगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण चार दिया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 23,625 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। यहाँ पे इसका उल्टा दिया है, पहले वाले उदाहरण में दिया था कि गुना करेंगे तो पूर्ण घन बन जाए, और यहाँ पे उल्टा दिया है, बोल रहा है कि भाग देने पर पूर्ण घन बन जाए। तो इसको बनाने के लिए फिर वही विधि अपनाएंगे, पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए, हल 23,625 को लिखेंगे, फिर गुणनखंड निकालेंगे तो निकलता जाएगा, 3 से आएगा 26,25, फिर 3 से कटेगा तो ये हमारा आ जाएगा 875, या 5 से कटेगा 175, 5 से 35, 5 से 7, 7 से 1। तो यहाँ पे देखिए इतना आ गया, तो लिखेंगे 23,625 इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5 × 7 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये तीन है, तीन बार आया है, पाँच तीन बार आया है, लेकिन सात केवल एक बार आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ 23,625 के गुणन, इसलिए उदाहरण में बताया है कि उसमें बोल रहा था कि गुना करने पे पूर्ण घन बन जाए, और इसमें बोल रहा है कि भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। सेम पहले 23,625 जो दिया है उसका हम गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालते हैं तो देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 7,875 आएगा, फिर 3 से भाग करेंगे तो 2625, 3 से 875, 5 से तो भागफल 175 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 35 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। ठीक, तो लिखेंगे 23,625 इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5 × 7। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 के समूह में है, 5 3 के समूह में है, लेकिन 7 जो है उस 3 के समूह में नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ 23,625 के गुणनखंडों में 7 3 के समूह में नहीं है, अतः इनमें 7 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो इसलिए अभीष्ट संख्या सात है। तो यहाँ पे आंसर हमारा 7 आएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 23,625 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पे पहले हम गुणनखंड निकालेंगे तो देखते हैं कि कौन सी संख्या 3 बार आया है, कौन सी संख्या 3 बार नहीं आया है। तो 7 नहीं आया है 3 बार। तो इसमें क्या करेंगे कि यहाँ 23,625 के गुणनखंड में 7 3 के समूह में नहीं है, अतः इनमें 7 से भाग देने पर भागफल जो आएगा 23,625 में 7 से केवल 7 से ही भाग देंगे तो भागफल आएगा और पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो छोटी संख्या क्या है, तो ये हमारा छोटी संख्या 7 ही है, तो 7 आंसर हो जाएगा।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।